हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे शो क्या टेक एंजल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इलोन मस्क ने जो ट्विटर पे ट्वीट करके जो पूरी दुनिया को हिला दिया है, उन्होंने ऐसा ट्वीट क्यों करा और क्या ट्वीट करा, इसके लिए जो आपको ये वाली वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो इलोन मस्क ने एक ट्वीट करा ट्विटर पे, आपको जो स्क्रीन पे ये पिक्चर दिख रही होगी, इस पिक्चर से आपको साफ साफ पता चल रहा है कि इलोन मस्क ने जो बिटकॉइन से जो ब्रेकअप कर लिया है, उन्होंने ऐसा क्यों करा और इसकी वजह क्या है। आपके मन में जो ये क्वेश्चंस जो उठ रहे होंगे कि इन्होंने ऐसा क्यों करा और इनके ट्वीट से जो क्या फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, इनके ट्वीट से जो है बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि काफी सारे लोग जो इनको फॉलो करते हैं और इन्हीं के बेस पे, इन्हीं के फॉलो जो भी है ये ट्वीट करते हैं, उन्हीं के बेस पे जो है अपने जो शेयर्स बाय सेल और क्रिप्टो में जो इन्वेस्टमेंट्स है वो करते हैं। और इलोन मस्क का जो स्टार्टिंग से क्रिप्टो करेंसी से काफी ज्यादा लगाव रहा है और बिटकॉइन जो इनकी सबसे फेवरेट करेंसी रह चुकी है, तो इन्होंने एकदम से ब्रेकअप क्यों कर लिया इससे? इन्होंने इसलिए करा क्योंकि इनके पास एक दूसरी क्रिप्टो करेंसी इनकी फेवरेट बन चुकी है जिसका नाम है डॉज कॉइन। इस डॉज कॉइन की वजह से जो है इन्होंने बिटकॉइन से जो है ब्रेकअप कर लिया, ऐसा कह सकते हैं। जी हाँ, अब जो है बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के बजाय इलोन मस्क डॉज कॉइन की तरफ जो है बढ़ रहे हैं। पहले ही आप सभी को पता है कि बिटकॉइन में जो है बहुत सारी गिरावटें आई हैं, उसके बाद जो जब ये थोड़ा सा संभलने लगा तो इलोन मस्क ने ट्वीट करके इसमें फिर से एक भारी गिरावट के कारण बन गए इलोन मस्क। लेकिन उन्होंने जो है डायरेक्ट ट्विटर पर ट्वीट करके ये सब नहीं कहा, उन्होंने एक मेम के तौर पर जो है ये कहा। आपने अभी जैसे डिस्प्ले पर देखा कि मेम के तौर पर इन्होंने कहा, इन्होंने बिल्कुल क्लियर भी नहीं करा और इन्होंने कह भी दिया, आप ऐसा कह सकते हैं ना, इन्होंने कह भी दिया और क्लियर भी नहीं करा बिल्कुल। पहले इन्होंने ट्वीट किया था कि टेस्ला जो है बिटकॉइन एक्सेप्ट नहीं करेगी, धीरे धीरे जो है ऐसी बिटकॉइन से जो है दूर होते जा रहे हैं। आखिरकार इन्होंने क्यों करा ब्रेकअप, बंदों के कमेंट्स मेरे पास आए थे ऐसे ही, क्या अब जो है इन्होंने बिटकॉइन से ब्रेकअप करवाया, डॉज कॉइन को जो है सपोर्ट कर रहे, क्या डॉज कॉइन आगे बढ़ पाएगा? इसके लिए जो आपको मेरी देख दूसरी वीडियो डॉज कॉइन के ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, वो वीडियो जो देखनी पड़ेगी। वीडियो आप अगर सबसे पहले चाहते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ना, तो वाली वीडियो आपको जो जरूर से देखनी पड़ेगी, वो डॉज कॉइन के ऊपर वाली वीडियो बनाऊंगा मैं। और डॉज कॉइन पे जो है अब ज्यादा बंदे इन्वेस्ट करेंगे और डॉज कॉइन मुझे जहां तक की लगता है वो होने वाला है, ठीक है। मैं भी डॉज कॉइन के ऊपर ये वाली वीडियो बनाऊंगा कि डॉज कॉइन खरीदते कैसे, क्योंकि ये वाली वीडियो भी बनानी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि समझ रहा हूँ मैं कि आगे ट्रेंड क्या आने वाला है। इनके इस ट्वीट को देख के काफी सारे लोगों ने जो है हाथ के हाथ जो है अपने बिटकॉइंस को सेल करना स्टार्ट कर दिया है, जिससे क्या है कि आप सभी को पता है कि बिटकॉइन में काफी से ज्यादा जो है मात्रा में गिरावट आपको देखने को मिली है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।